बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर तीन युवक रेल की पटरियों पर जाते हैं और वहां पर पटरियों को जोड़ने वाली जो फिश प्लेट होती है उसके नट बोल्ट खोल लेते हैं। जैसे ही आसपास के लोग वहां का नज़ारा देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं। उसी दौरान जैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वह तीन युवक वहां से फरार हो जाते हैं और देखा जाए तो वहां पर पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट के नट खोल रहे थे और कुछ मिनट बाद वहां से ट्रेन भी गुजरती है। उसी दौरान जल्दी से पहले वह युवक जो वहाँ पर आते हैं वो जल्दी से उस फिश प्लेट को वापस जोड़ देते हैं और जीआरपी पुलिस थाना पुलिस को भी सूचना दी जाती है और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि उन तीन युवकों ने आखिर क्यों कोशिश की, ट्रेन को ड्रिल करने की कोशिश थी या ट्रेन की जो पटरियों पर जो लोहा था उसको चुराने की कोशिश कर रहे थे। ये तो पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने में लगी हुई है। दरअसल बता दें आपको कि लालगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उससे कुछ दूर तीन युवक ट्रेन की पटरियों पर जाते हैं और जो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट होती है। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि फिश प्लेट क्या होती है। दो ट्रेन की पटरी होती है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है जिससे ट्रेन की पटरी है जो दूर ना हो और ट्रेन अच्छे से संचालित हो सके। उन ट्रेन की पटरियों पर फिश प्लेट में जो नट बोल्ट लगे होते हैं उनको खोलने का प्रयास करते हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि वह तीन युवक किस मकसद से वहां पर लोहे की चोरी करने को आए थे या ट्रेन ड्रिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीब सैकड़ों की तादाद में ट्रेन हादसे होते हैं। दरअसल पूरा बता दें आपको कि 2004 से 14 तक यूपी की जब सरकार थी तो उस सरकार में 1700 ट्रेन हादसे हुए थे टोटल और 2014 से 2024 की अब बात करें एनडीए सरकार मोदी सरकार में अब तक करीब 700 से ज़्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं और इसमें कई बड़े ऐसे हादसे हुए जो अभी तक भरपाई भी नहीं कर सके हैं जिसमें हजारों लोगों की एक साथ जान तक चली गई। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कई तस्वीरें ऐसी सामने आती है जहां पर ट्रेन की पटरियों पर लोहे के पोल रख दिए जाते हैं या पत्थर रख दिए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इन कारणों को इन हरकतों को कौन पूरा सर्वाइव कर रहा है और ऐसी हरकतें आखिर लोग क्यों करते हुए नज़र आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जहां पर ट्रेन की पटरियों पर लोहे के गाटर रख दिए गए थे या पत्थर रख दिए गए थे जिसमें ट्रेन को ड्रिल करने की कोशिश की गई थी लेकिन जो ट्रेन के अंदर पायलट होते हैं जो आवाज़ होते हैं वह इन जो हरकतों को है जो सक्सेस नहीं होने देते हैं और उनकी पूरा सफलतापूर्वक है जो उन ट्रेन को रोक दिया जाता है जिससे बड़े हादसे होने से बच जाते हैं। एक ऐसा ही हादसा है जो बीकानेर के लालगढ़ से सामने आया जहां पर तीन युवकों द्वारा वहां पर फिश प्लेट को खोला जा रहा था और उसी दौरान कुछ ही मिनट में वहां पर ट्रेन भी पहुंचने वाली थी लेकिन पास में ही कुछ ऐसी दुकानें थी जिन पर लोगों ने वहां के जो नट बोल्ट खोले गए थे उनको वापस जोड़ दिया गया और ट्रेन भी वहां से संचालित हो गई। धन्यवाद।